नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीब करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें, और साथ ही आज के इस पावन दिवस रामलला के आगमन पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा नीब करौली महाराज जी ने सन 1973 में अपनी शारीरिक लीला को विराम दे दिया था, परंतु इसके बावजूद बाबा नीब करौली महाराज जी एक ऐसे दिव्य महान अलौकिक सिद्ध संत हैं जो आज भी यहीं पर हैं, कहीं नहीं गए। बाबा महाराज अपना कार्य पूर्ववत आज भी कर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, हमारी सारी समस्याओं को वह हल कर देते हैं। भौतिक दृष्टि से हम भले ही उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनका स्मरण करें और ध्यान करें तो हमें यह अवश्य महसूस होगा कि वे अब भी हमारे साथ हैं और भक्त का हर काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है। जब भी कोई समस्या उठ खड़ी होती है और एक भक्त बाबा का ध्यान करता है तो वह समस्या स्वयं ही सुलझा देते हैं। कैंची धाम के पास रहने वाली एक माई ने बताया, जो कि अक्सर बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए आश्रम में आया करती थी, वह बताती हैं कि महाराज जी यह कहा करते थे कि जब कोई संत शरीर छोड़ देता है तो वह मंदिर ही उसका शरीर बन जाता है। ऐसे ही एक भक्त जब वृंदावन में उनके कमरे में गया तो उनकी दहलीज पर कदम रखते ही उसे एक अद्भुत सी अनुभूति हुई। उसे महसूस होने लगा कि पिछले 4 सालों में जो कुछ भी उसने किया था वह सब असंगत तथा अर्थहीन था। वह बिल्कुल वैसा ही अनुभव था जैसा महाराज जी एक दृष्टि पड़ने पर उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं। वह भक्त चूंकि पाश्चात्य देश का था, अतः वह जब भी भारत यात्रा पर आता महाराज जी के दर्शन के लिए अवश्य जाता। उसने आगे बताया कि जब मैं वृंदावन आश्रम के पीछे की तरफ एक बार टहल रहा था तो मुझे अनुभव हुआ कि जब हम अपने हृदय को पूर्णतया ईश्वर की ओर लगा देते हैं तो हर बात के लिए क्षमा मिल जाती है। जब मैं अंदर गया तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मैं महाराज जी के कमरे में काफ़ी देर तक बैठा रहा, मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज जी के तख्त पर रखे हुए कंबल से शक्ति निकलकर मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है और मैं उस अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रवाह में स्नान कर रहा हूँ। मुझे इसकी शीतलता का आभास उस समय बहुत अच्छे से हो रहा था। यह कोई नहीं समझ सकता कि वे क्या हैं, भौतिक रूप में भले ही वे यहाँ नहीं हैं पर वे सब कुछ सुन रहे हैं। जब मैं बाबा महाराज जी की चर्चा आरंभ करता हूँ तो लगता है जैसे वह यहीं सामने बैठे हैं और मेरे मुख से निकले सारी बातें वह बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। बीच बीच में अपनी अंगुली उठा देते अगर दिशा जरा भी भटकने लगती। जिन लोगों को महाराज जी के जीवन काल में कुछ भी नहीं मालूम था वे भी बताते हैं कि बाबा महाराज जी को उन्होंने अदृश्य रूप में और सपनों में देखा है। उन्हें महाराज जी की उपस्थिति का एहसास होता रहा है और वे अनुभव करते हैं कि महाराज जी उन्हें बुला रहे हैं। वस्तुतः लोगों को उनका स्पर्श करना मात्र शारीरिक संपर्क तक सीमित नहीं है। बाबा जी का स्पर्श तो वह अलौकिक एहसास है जो सीधा आपके इंद्रियों में नहीं अपितु आपके हृदय द्वार से होता हुआ आपकी चेतना में चला जाता है। दोस्तों, महाराज जी एक बात कई बार मुस्कुराकर कहते थे कि जब लोग हमें याद करते हैं हम उन्हीं के पास होते हैं। हम भला अपने भक्त से दूर कैसे रह सकते हैं? जो भी महाराज जी के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसको वे विरासत में उसके हृदय के अंतरंग में गहरा विश्वास दे गए हैं। उस विश्वास को उन्होंने अपनी छाया द्वारा पुनः जागृत कर दिया है और उस स्थान पर ऐसा प्रकाश है जिसमें हम वास्तविक रूप से उस दिव्य अद्भुत प्रेममय जीवित आत्मा का दिग्दर्शन करते हैं, और इस प्रकार के प्रकाश को देखकर ये सब कुछ भिन्न सा प्रतीत होने लगता है। महाराज जी की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि बाबा महाराज हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत थोड़े और स्पष्ट उपदेश दे गए हैं, बहुत ही कम अनुष्ठान बताकर गए हैं, हमें आडंबरों में फंसने से बचा कर गए हैं, और इसके साथ इस भौतिक जगत में रहते हुए हमारा अहंकार किसी भी प्रकार से उनसे छिप नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी की तरह महाराज जी हमेशा बिगड़ेल व्यक्ति को अपने वश में करके रखते हैं। जैसे कि एक और भक्त का अनूठा अनुभव उन्होंने साझा किया है। वह भक्त बताते हैं कि उन्होंने अपने घर में चारों ओर महाराज जी के छोटे छोटे चित्र लगा रखे हैं। जब भी वह देर से उठता और नित्यक्रम निपटाने की हड़बड़ी में सारे घर में उछल कूद मचाता तो महाराज जी उसे कूद कर पकड़ लेते, तो भक्त या तो उनके चित्र को देख कर सोचता कि चिंता मत कर मैं तुम्हें अब भी याद करता हूँ, या तो वह बाबा के चित्र को देखता ही नहीं पर फिर भी उसे इस प्रकार की झलक सी मिलती जैसे महाराज जी उसे कह रहे हों तू क्या कर रहा है, क्या हो रहा है तेरे साथ, तू अभी यहीं पर है, तू कहीं गया नहीं, क्या कर रहा है यहाँ पर। महाराज जी का इस तरह का संरक्षण पाकर वह भक्त अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो कीजिए ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो लाल बटन नीचे दिख रहा है उसे दबाइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जब भी आप सारी देर सब्सक्राइब करते हैं तो YouTube को एक मैसेज आता है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह ऐसी वीडियो को अन्य उन लोगों तक भी पहुंचाता है जो भक्तों की श्रेणी में तो आते हैं परंतु वह हमारे परिवार का सदस्य अभी तक नहीं बने हैं। इसलिए आप लाल बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सके। आज आपको महाराज जी के अनन्य भक्त रहे श्री पूर्णानंद तिवारी जी का एक खास किस्सा सुनाते हैं। दोस्तों, कैंची के श्री पूर्णानंद तिवारी महाराज जी की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए वृंदावन जा रहे थे। उस समय मार्ग में एक सुनसान जगह पर डाकुओं ने बस के सभी यात्रियों को घेर कर लूटना पीटना शुरू कर दिया।
चूंकि तिवारी जी की पत्नी बड़ी बेधड़क थी, अतः उन्होंने ये लूटपाट देखकर उन डाकों को गाली देना प्रारंभ कर दिया। इस पर तिवारी जी ने पत्नी को डांटा कि माल तो जाएगा ही, तेरे कारण जान भी चली जाएगी, शांत रहे, बैठी रहे यहीं पे। पर दोस्तों, तिवारी जी तो बाबा के अनन्य भक्त थे, अतः उन्हें क्षति कैसे हो सकती भला। डाकों ने जब सभी यात्रियों को मारा पीटा, लूटा खसूटा, तब वे तिवारी दंपति की न तो आवाज़ सुन सके और न ही उन्हें देख सके। बाबा महाराज जी ने तिवारी दंपति को ऐसे अदृश्य कर दिया था कि उनकी आवाज़ भी शून्य कर दी। वे दोनों ये स्पष्ट देख पा रहे थे कि डाकू नज़र उठाकर सभी यात्रियों को टटोल रहे हैं कि जैसे किसी के पास कुछ बाकी तो नहीं है। परंतु उनके इतना नज़दीक बैठे होने पर भी पूर्णानंद तिवारी जी और उनकी पत्नी पर किसी भी डाकू की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अतः वे लोग महाराज जी की विशेष कृपा से सकुशल वृंदावन पहुँच गए। ऐसे ही महाराज जी के एक और अनन्य भक्त कैंची निवासी भैरवदत्त तिवारी को वर्ष 1984 में महाराज जी ने स्वप्न में चेतावनी दी थी कि देख पार्थिव पूजन कर लेना, अब की भूलना मत। पार्थिव पूजन अर्थात शिवार्चन अब श्रावण मास में ही संभव हो सकता था, लेकिन महाराज जी के आदेश की भैरवदत्त ने अनदेखी कर दी। फिर भी अपनी चेतावनी को याद दिलाने के लिए बाबा जी ने अगली 1984 की आषाढ़ की बरसात में ऊपर से नीचे तक श्वेत वस्त्रों में प्रकट होकर पार्श्व में बहती उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे उन्हें अर्धरात्रि के समय दर्शन दिए। महाराज जी के ऐसे अलौकिक दर्शन किसी दुर्लभ आत्मा को ही प्राप्त हो सकते हैं। तिवारी जी उस समय गंगा में आई बाढ़ में डूबे अपने खेत को देखने गए हुए थे। दूसरे दिन सुबह उन्होंने आकर बाबा महाराज जी के दर्शन की बात कैंची धाम में श्री सिद्धि माई को बताई, किंतु महाराज जी द्वारा निर्देशित शिवार्चन किए बिना ही वे पिथौरागढ़ चले गए। वहाँ एक साधारण सी बीमारी से उनका शरीर शांत हो गया। बाबा महाराज जी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में कही गई कोई भी बात अनर्गल, हास्यास्पद या साधारण लगने पर भी कभी भी साधारण नहीं होती है, न भूत के लिए, न वर्तमान के लिए और न ही भविष्य के लिए। जो भी संकेत महाराज जी अपने भक्त को देते हैं, उन संकेतों को बड़ी दृढ़ता से अकाटे मान लीजिए। उनके विपरीत किए गए कोई भी प्रयत्न सिर्फ व्यर्थ ही होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, यही है बाबा महाराज जी का स्वरूप। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें धाए, वह उन्हें पूर्ण रूप से पाए। बाकी महाराज जी को पाने का और उनके सानिध्य का और उनके आशीर्वाद का कोई सूत्र, तंत्र, मंत्र कहीं भी नहीं है। बाबा महाराज जी को पाना या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये तो सिर्फ उन्हीं की कृपा से होता है। आप बस उनकी कृपा के लिए अपने आप को कृपा पात्र बनाते रहिए, अपने आप को योग्य बनाते रहिए, और साथ ही महाराज जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन का ऐसा अभिन्न हिस्सा बना लीजिए कि जैसे आपका श्वास हो, जिस तरह से हमारी श्वास हमारे प्राण के लिए अति आवश्यक होती है, ऐसे ही महाराज जी के मार्गदर्शन पर, उनके बताए गए दिशा पर चलना आपकी मुख्य प्राथमिकता हो जानी चाहिए। और प्रत्येक कार्य को करते हुए प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहिए। जहाँ प्रभु श्री राम होंगे, वहाँ पर महाराज जी तो दौड़े चले आएंगे। ये स्वयं बाबा महाराज हमेशा कहा करते हैं, बिन राम काज कीजिए मोहे कहाँ विश्राम। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए हमारे प्यारे बाबा हनुमान और बाबा नीपकरोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।